बीजेपी ने हरिद्वार के पंचायत चुनाव में मिली जीत को ऐतिहासिक बताया है। बीजेपी का कहना है कि जनता ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किए जा रहे कार्यों पर मोहर लगा दी है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि हरिद्वार की जनता ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो विकास करने वालों के साथ खड़ी है। वहीं पंचायत चुनाव में जीत हासिल करने वाले कुछ सदस्यों ने बीजेपी की सदस्यता भी ग्रहण की। हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जीते प्रत्याशियों को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए बधाई दी। उन्होंने जीते हुए प्रत्याशियों से उम्मीद जताई कि जो भी क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्य जीते हैं वो धन पशुओं से दूरी बनाकर रखेंगे और काबिल उम्मीदवारों के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि आज पूरा भारत इस समय परेशानियों से गुजर रहा है, जनता त्रस्त है, साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीण काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में उन समस्याओं का निदान करने के लिए लोग एकजुट होकर किसी योग्य व्यक्ति को आगे लाएंगे ताकि आने वाला समय ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सके। चुनाव हरिद्वार में जिस तरीके के परिणाम आए हैं, मैं उसमें विजय प्रत्याशियों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो भी क्षेत्र पंचायत के सदस्य जीते हैं या जिला पंचायत के सदस्य जीते हैं वो धन पशुओं से थोड़ी दूरी बनाकर रखेंगे और योग्य उम्मीदवार जो कार्य करे, जो सेवा करे जनता की, उसके साथ खड़े होंगे। ऐसा मेरा उनसे अपील भी है और ऐसी मेरे को उम्मीद भी है, क्योंकि इस समय पूरा भारत जो है वो परेशान है, लोग और जनता त्रस्त हैं, परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं गांवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में। उन समस्याओं का निदान करने वाले लोग सब एकजुट होकर किसी योग्य व्यक्ति को आगे लाने का काम करेंगे ताकि आने वाला समय ग्रामीण लोगों की जिंदगी बेहतर कर सके। हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी ने जिला पंचायत की 14 सीटों पर परचम लहराया है, जिससे भाजपा नेता अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। इसके साथ ही भाजपा के नेता दावा कर रहे हैं कि आने वाले समय में जिला पंचायत अध्यक्ष भी बीजेपी से ही बनने जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने हरिद्वार पंचायत चुनाव को लेकर कहा है कि भाजपा को इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 8 जिला पंचायत सदस्य कांग्रेस जबकि 8 बसपा के हैं, जबकि ज्यादातर प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव जीतकर आए हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि जो निर्दलीय चुनकर आए हैं उनमें से ज्यादातर कांग्रेस के नेता रह चुके हैं। ऐसे में उनके साथ मंत्रणा कर जल्द ही हरिद्वार में कांग्रेस अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने जा रही है। जिला पंचायत चुनाव का परिणाम आया है वो थोड़ा आश्चर्यजनक जरूर है। जिस प्रकार से आज महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के 14 जिला पंचायत सदस्य बताए जा रहे हैं कि जो वहाँ पर जीते हैं, लेकिन ये पर्याप्त तो नहीं है, क्योंकि 44 जिला पंचायत सदस्यों में 14 जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और वहीं कांग्रेस और बसपा के बराबर जिला पंचायत सदस्य वहाँ पर जीते हैं और तमाम ज़्यादातर निर्दलीय जिला पंचायत सदस्यों ने बाजी मारी है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि वहाँ पर गैर भाजपा का जिला पंचायत अध्यक्ष हरिद्वार में जीतेगा, यही लास्ट वहाँ पर गणित लग रहा है। अभी चुनाव परिणाम आए हैं, वहाँ प्रत्याशी जीत कर आए हैं, अभी सब जो हमारे जीते हैं और जो निर्दलीय जो कांग्रेस के ही ज़्यादातर प्रत्याशी हैं उन सब के साथ बैठ के मंत्रणा करेंगे। पिथौरागढ़ चौकी पनार थाना गंगोलीहाट पुलिस के द्वारा लगभग 15 तोला सोने के आभूषणों और रुपयों से भरा हुआ बैग तलाश कर उसे स्वामी के सुपुर्द कर दिया गया है। गोपाल सिंह मेहता के द्वारा थाना गंगोलीहाट में सूचना दी गई थी कि वो शादी समारोह में हल्द्वानी गए हुए थे। वापस लौटते वक्त उनका एक बैग पनार और गंगोलीहाट के बीच में गाड़ी से गिरकर गुम हो गया, जिसमें 15 तोला सोने के आभूषण थे और कुछ रुपए भी थे। इसके बाद पुलिस ने उनका बैग सही सलामत ढूंढ निकाला। पुलिस के इस मानवीय कार्य की पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ लोकेश्वर सिंह और आम जनता के द्वारा प्रशंसा की गई। मैं गोपाल सिंह मेहता विद फैमिली गंगोली हाट से हल्द्वानी गया था और मेरी फैमिली मेरे साथ थी। उसमें बैग में सोना रखा हुआ था, वो 15 तोला करीब सोना था उसमें और कुछ पैसे थे। तो वो रास्ते में पनार मोड़ के ऊपर जो है एक प्लांट है, तो प्लांट के ऊपर वो बैग गिर गया था। और उसके बाद जैसे मैं घर पहुंचा, घर पहुंचने के बाद वो हमने बैग चेक किया तो बैग गायब था। उसी रात फिर हम फिर से पनार तक गए और पनार तक जाने के बाद वहाँ पर हमें बैग का कोई पता नहीं लगा, इधर उधर पूछताछ भी की। उसके बाद सीधे हम पनार चौकी में गए, वहाँ पर पूरा पुलिस स्टाफ जो पर था सतर्क था, उनको हमने अपनी पूरी परेशानी बताई। उन्होंने फुटेज कैमरा में हर एक गाड़ी की वहाँ पर फुटेज कैमरा और निकाले और हर गाड़ी का आसपास गुजरने वाली गाड़ी की कैमरा से फुटेज निकाली थी। पूरा प्रयास करने के बाद और आज 30 तारीख को और जहाँ पर ये सोना प्राप्त हुआ उन्होंने उसका अता पता लगाया और वो सोना जो मेरा 10-10.5 लाख का जो सोना था, जो गहना था अपनी बच्ची की शादी के लिए हमने
दौड़ रखा था वो हमारे सर ने वो प्राप्त करवाया और उनका मैं आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गंगोली हाट पुलिस और प्लस प्लाट चौकी वालों को। वन्य जीव प्राणी सप्ताह के पहले दिन कॉर्बेट प्रशासन ने साइकिल रैली निकालकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। रैली को विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली को कॉर्बेट कार्यालय से रामनगर होते हुए सावलदे में समाप्त किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में कई लोगों ने प्रतिभाग भी किया। कॉर्बेट के निदेशक धीरज पांडे ने बताया कि 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक देश में वन्य जीव प्राणी सप्ताह मनाया जा रहा है। कार्यक्रम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के तरफ से किए जा रहे हैं, जिसमें आज सवेरे एक साइकिल रैली से इसकी शुरुआत हो रही है, जिसमें स्कूली बच्चों के द्वारा और स्थानीय लोगों के द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। प्रयास हमारा यह है कि वन और वन्यजीव संरक्षण का संदेश लोगों तक पहुंचे और लोगों की जन जागरूकता बढ़े। इसके अलावा आज दिन में एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया है, जिसमें मानव वन्यजीव संघर्ष पर सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर चर्चा की जाएगी। और इसके अतिरिक्त आने वाले समय में कल और परसों की में काफ़ी सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम भी हैं जो मानव वन्यजीव संघर्ष से भी संबंधित हैं और आजीविका विकास से भी संबंधित हैं। तो इस प्रकार पूरे हफ्ते विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई है, जिन्हें हम लोग करेंगे। और हमारा प्रयास यही होगा कि अधिक से अधिक लोग इसमें प्रतिभाग कर पाएं और वन एवं वन्यजीव संरक्षण का जो संदेश है वो लोग अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच पाए। नरेंद्र नगर के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालय पोखरी में कॉलेज के एंटी ड्रग सेल के द्वारा नशा मुक्ति विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में वक्ताओं ने समाज में लगातार बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए अपने नौनिहालों को बेहतर माहौल और शिक्षा देने की अपील की। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए प्राचार्य डॉक्टर शशिबाला वर्मा ने युवा पीढ़ी को नशे की गिरफ्त में आने पर चिंता जताते हुए कहा कि युवा पीढ़ी इस बुरी लत में न पड़े, इसके लिए शिक्षण संस्थाओं के अलावा सामाजिक संगठनों और अभिभावकों को भी संकल्पबद्ध होकर आगे आने की जरूरत है। महाविद्यालय पोखरी कुइटी में नशा उन्मूलन के लक्ष्य में हमने जिला चिकित्सालय के आयुर्वेदिक जिला चिकित्सालय के डॉक्टर साकेत जी को आमंत्रित किया और उन्होंने हमारे छात्र छात्राओं को नशा से बचने के विभिन्न उपायों के बारे में बताया और उन्होंने हमें यही भी महत्वपूर्ण जानकारी दी, यदि हमारे समाज में हमारे पड़ोस में हमारे घर में कोई नशा का आदि व्यक्ति है तो उसके प्रति हमारा व्यवहार मित्रवत होना चाहिए, उसके प्रति दुर्व्यवहार ना करें, अपितु स्नेह के साथ में उसको उस बुराई से बचाने का प्रयास करना चाहिए। नशा से लोग दूर रहें और नशा मुक्ति के कई सारे पुनर्वास सेंटर हैं जिन पे आप जाके अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं और इसके लिए विल पावर स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, जिसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन में योगा सबसे बड़ा मतलब योगा कर सकते हैं, योगा के थ्रू आप नशा से दूर हो सकते हैं। और आप जिन जो भी नशा करते हैं उनके आसपास आप ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करिए कि उनको ये ना लगे ये मेरे से दूर जा रहे हैं। आप उनको फ्रेंडली उनको व्यवहार मित्रवत व्यवहार करिए जिससे उनको लगे कि हाँ ये मेरे सहयोग कर सकते हैं नशा छोड़ने में। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा हरिद्वार के सभी पौराणिक मंदिरों में धूमधाम से की गई। माँ के दर्शन के लिए सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ देखने को मिली। नील पर्वत पर स्थित माँ चंडी देवी के दर्शन करने के लिए लगातार श्रद्धालु पैदल मार्ग से होते हुए आ रहे हैं। साथ ही हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा है। चंडी देवी के महंत रोहित गिरी महाराज ने बताया कि जो भी भक्त नवरात्रों में अष्टमी नवमी को माँ के दर्शन करने पहुँचता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कई लोग जो श्रद्धालु हैं दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, माँ भगवती से मनोकामना करते हैं और मनोकामना में चुन्नी बांधते हैं माँ से मनोकामना करके, और जब उनकी वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो उस चुन्नी को वो माता को खोल करके माता के चरणों में अर्पण करके और उसके साथ जो भी वो भेंट अर्पण करना चाहते हैं भेंट और जो भी मन्नत मांगी होती है, जैसे कोई भंडारा करता है कोई हवन कराना चाहता है तो वो लोग आकर करते हैं। और नवरात्रों में इस नील पर्वत का जो महत्व है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। सर्दियों के जो शारदीय नवरात्रे आते हैं जो दुर्गा सप्तशती में भी कहा गया है कि अष्टमी नवमी और चतुर्दशी इन 3 दिन माँ भगवती का यहाँ पे स्थान रहता है, विशेषकर माँ भगवती के दर्शन करने चाहिए। उस दिन जो है कई जन्मों के जो है पापों से मुक्ति हो जाती है। माँ भगवती की आराधना करना उस दिन सबसे श्रेष्ठ है। श्री नागदेव रामलीला कमेटी बेरीनाग के द्वारा आयोजित रामलीला का आगाज हो गया। रामलीला का उद्घाटन नगर पंचायत अध्यक्ष हेमपंत के द्वारा किया गया। इस मौके पर हेमपंत ने भगवान राम के बताए गए मार्ग पर चलने की अपील की। पहले दिन नट नटी संवाद रामजन्म तक संवाद हुआ। ननी सखियों के द्वारा शानदार नृत्य भी प्रदर्शित किया गया। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष बलवंत धनिक ने बताया कि ये रामलीला का 19वां संस्करण है। रामलीला को भव्य तरीके से संपन्न करवाने में सभी का सहयोग मिल रहा है।
रामलेगा का आगाज रामलेगा का समय है। पिछले 19 वर्षों से हम यहाँ पर बेगनाग में नागदेव रामला कमेटी के तहत में रामला मंचन का आयोजन कर रहे हैं। मैं समस्त बेगनाग की जनता ने जिस तरह हमें विगत 19 वर्षों से सहयोग किया, आज हम इस कमेटी को हमने सहयोग दिया और उन्हीं के आशीर्वाद से बेगनाग की समान्त जनता की आशीर्वाद से बेगनाग के पब्लिक के आशीर्वाद से बेगनाग का ये 19 वर्ष से रामला का आयोजन किया जा रहा है। और मैं चाहूँगा जिस तरह से हर वर्ष बेगनाग की जनता यहाँ की लोकल बच्चे जो भी हैं सहयोग करते हैं, उसी तरह से इस वर्ष भी रामला राम यज्ञ को सहयोग करें।